वेलकम बैक, आप सब लोग को स्वागत है मेरे चैनल पे। सो अभी आज वापस आ गया मैं मेरा चैनल पे। बहुत दिन हो गया मैं ब्लॉग नहीं बनाया। सो क्यों ना सोचा मैं, बहुत दिन हो गया मेरा ब्लॉग में अपडेट भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। आप सब लोग सोचेंगे कि मैं क्यों अपडेट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं काम में बहुत बिजी था और बीच में मैं कोविड पॉजिटिव हो गया था, इसीलिए मैं आप लोगों को अपडेट नहीं दे सका। लेकिन आज मैं आ गया वापस, आज मैं बना रहा हूँ फिर से वापस वन मोर ब्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ बाहर, पता नहीं क्या होगा कैसा होगा ब्लॉग, लेकिन अभी जा रहा हूँ मैं बाहर। रेडी हो गया अभी, आज थोड़ा टाइम मिला है और यहाँ का दिन भी छुटा हो गया है अभी, तो इसीलिए अभी तो मतलब बहुत मुश्किल है दिन में ब्लॉग बनाना और घूमना फिरना। तो अभी जा रहा हूँ मैं बाहर घूमने के लिए, घूमने बोले तो थोड़ा सा बाहर घूम के आऊँगा। तो आप सब लोगों को अच्छा लगेगा ये ब्लॉग, और अगर अच्छा लगे तो ये ब्लॉग आपको आप लोग सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरा चैनल को, और घंटी भी बजा दीजिएगा, और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। चलिए शुरू करते हैं फिर आज का ब्लॉग। आज थोड़ा घूमने भी चलते हैं और अच्छा होगा ये ब्लॉग, एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं फिर। दोस्तों अभी मैं बाहर आ गया, मास्क भी पहन लिया क्योंकि मास्क पहनना ज़रूरी है, कोविड हो गया तो क्या हुआ, फिर भी अभी भी मास्क पहनना ज़रूरी है जब तक वैक्सीन नहीं मिलता तब तक। लेकिन नेक्स्ट वीक से हम लोगों को वैक्सीन मिल जाएगा। सो अभी मैं बाहर आया था, लेकिन बाहर का जो वेदर है ये देख के तो मैं मतलब मेरा प्लान कैंसिल करना पड़ा। लेकिन अभी बाकी है प्लान का, तो अभी क्या करूँगा, अभी मैं टाउन सेंटर के अंदर जाऊँगा। टाउन सेंटर के अंदर जाने से आप लोग को दिखा सकते हैं कुछ, और क्योंकि टाउन सेंटर में तो अंदर ही सब लोग को दिखा दूँगा, और एक सब थोड़ा शॉपिंग भी कर लूँगा मैं। तो अभी मैं जाने वाला हूँ टाउन सेंटर के अंदर, तो अभी रोड क्रॉस कर रहा हूँ, और टाउन सेंटर के अंदर का जो वो है वो दिखा दूंगा आप लोगों को। और अभी रोड में ही हूँ, लेकिन आज आप लोगों को थोड़ा सा शॉपिंग का भी एक्सपीरियंस करा दूंगा। जो यहाँ पर मतलब यहाँ का जो टाउन सेंटर है ये उतना बड़ा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ही है, उतना बड़ा नहीं है, तो फिर भी कुछ ब्रांड्स हैं यहाँ पर तो अच्छा ही है। अभी मैं जा रहा हूँ टाउन सेंटर के अंदर, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ये है मेरा मॉस्क, एक्चुअली ये है मेरा घर के सामने ही है, थोड़ा सा सामने ही है मॉस्क है, और ये रोड से मैं जा रहा हूँ टाउन सेंटर के पास। सो ज़्यादा दूर नहीं है, बस 500 मीटर होगा टाउन सेंटर, इसीलिए मैं यहाँ पे रहता हूँ टाउन सेंटर के पास, और मेरा जिम भी पास में ही है यहाँ पे। सो इसीलिए मैं यहाँ पे ही रहता हूँ। आज का वेदर बहुत ख़राब है, मतलब बाहर इतना ठंड है, शायद ये आज 5 डिग्री ऐसा है, 4-5 डिग्री ऐसा चल रहा है, लेकिन क्या करें, यहाँ पे तो ऐसा ही है, गर्मी नहीं है, ठंडा ही ठंडा है बस। तो अभी कुछ अभी तो ठंडा की वेदर ही चल रहा है, सो ऐसे इसीलिए ऐसा ही है, क्या करें। दोस्तों ये सामने ही है एक छोटा सा पार्क जो बच्चों के लिए है, ये जो एरिया का मतलब छोटा छोटा बच्चा है ना, तो ये बड़ा पार्क नहीं है लेकिन बच्चों के लिए, जैसे मतलब इवनिंग में आके थोड़ा खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बड़े लोग भी आ जाते हैं इवनिंग में, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा पार्क है, लेकिन लोग एंजॉय करते हैं यहाँ पे आके, थोड़ा सा मतलब अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं कभी कभी। लेकिन अभी तो मतलब ठंड के वेदर है, लोग कम आते हैं यहाँ पे, आते हैं दो बड़े लोग आते, बच्चे लोग तो बाहर नहीं निकलते अभी। और ये देख सकते हैं आप लोग पार्किंग का जो है ना, ये आप लोग अगर यहाँ पे अगर पार्क करना है दिन में, अगर कार पार्क करना है तो यहाँ पे करना पड़ता है, रोड के पास भी अगर पार्क करो तो पे करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये मुश्किल ये है, क्योंकि अगर तुम अगर पार्किंग नहीं करोगी तो टिकट मिल जाएगा, और एक टिकट बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर एक बार पार्क नहीं किए तो 80 पाउंड ऐसा मिल जाएगा। 80 पाउंड बोले तो इंडिया का 7,800 रुपीज़ ऐसा है अभी का जो करेंसी है। तो या और सामने जो है, सामने ही आ गया जो ये है सिनेमा हॉल, सामने ही आप लोग देख सकते हैं। लेकिन आज का जो वेदर है इसमें तो कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करें। ये है चर्च, द सल्वेशन आर्मी चर्च है, और यहाँ के सामने ही है जो सेंटर का जो सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट है, ये है
सिनेमा हॉल, लेकिन एक प्रॉब्लम है इस सिनेमा हॉल में, मतलब इंडियन मूवीज नहीं आता है इस सिनेमा हॉल में, यहाँ पे पूरा मतलब इंग्लिश सिनेमा ही बस आता है। तो या इसीलिए अगर मेरे को इंडियन सिनेमा देखना है तो मेरे को यहाँ से मतलब एक ल्यूटन ऐसा जो जाना पड़ेगा जो यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे जाना पड़ेगा। लेकिन आप लोग देख सकते हैं अपोजिट में है जो है वो है TKMaxx, जो यहाँ पे मतलब TKMaxx पर सभी ब्रांड मिल जाता है, लेकिन TKMaxx मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता, मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता। अभी हो गया इसका एंट्रेंस है, अभी क्रॉसिंग क्रॉस भी कर लेता हूँ, मुझे इस साइड में जहीं जाना है। चलो अभी ग्रीन लाइट आ गया, अभी क्रॉस भी कर सकते हैं। ये TKMaxx का एंट्री है, लेकिन मैं TKMaxx नहीं जा रहा हूँ आज। आज आप लोग को टाउन सेंटर दिखाऊंगा जो अंदर है, मतलब मेन टाउन सेंटर है। ये भी टाउन सेंटर है, टाउन सेंटर की मतलब दूसरा लाइन लेन है, लेकिन मेन टाउन सेंटर के अंदर जाऊँगा आज, जिसको बोलते हैं हार्पर सेंटर। ये है टाउन सेंटर का कार पार्क, आप देख सकते हैं ये है काउंटर टाउन सेंटर का कार पार्क। और उस साइड पे आप देख सकते हैं एक एनी टाइम जिम है, ये जिम 24 आवर्स ओपन रहता है, जब मर्जी आ जाओ। लेकिन मेरा जिम वो नहीं है, मेरा जिम वहाँ पे है, ये था हार्पर सेंटर के अंदर जाके मैं मेरा जिम भी दिखा दूंगा आज आप लोगों को। लेकिन दोस्तों बहुत ठंडा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंडा है। मैं 3 लेयर कपड़ा पहना फिर भी मेरे को ठंडा लग रहा है। मतलब और अभी तो दिसंबर है, एंड दिसंबर तक तो अभी बर्फ भी पिघलना आ जाएगा, वो ज़ीरो पे जाएगा अभी। तो अभी ये देख सकते हैं ये एंट्री है, इसके मैं सोचा क्लोज है। चलो ये है एंट्री है, ये टाउन सेंटर का एंट्री है, आप देख सकते हैं। ये जो है ये है मतलब क्रिसमस का पूरा तैयारी है, अभी क्रिसमस के लिए रेडी है सब लोग। So, अभी ये जो है ये है एंट्री पॉइंट है, अभी कोविड के लिए बहुत सारा मेजरमेंट है। लेकिन मैं अभी नीचे जा रहा हूँ आप लोगों को और एक चीज़ दिखाने के लिए कि आपके नीचे जो है वो है मेरा जिम, जो आप लोग देख सकते हैं वो है मेरा जिम, जो 1899 का उनका भी चल रहा है मंथली। यह है मिशन एक्सप्रेस, जो ऑप्टोम का लोग है, ऑप्टोमेट्रिस्ट वालों ये देख लो तुम्हारा सेंटर। और यह है स्टारबक्स, और पूरा क्रिसमस का तैयारी है। ये है प्राइम मार्केट जहाँ पे मतलब सबसे अफोर्डेबल कपड़ा मिल जाता है यहाँ का। लेकिन जो चीज़ प्राइम मार्केट में आप लोग मतलब हमारा इंडिया का जो चीज़ बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे कपड़ा, लेकिन एक ही मॉल है जहाँ पे मतलब सब लोग जाके अफोर्ड कर सकते हैं, ये है प्राइम मार्केट। और अभी आ गया अमेजिंग वैल्यू रेस्टोरेंट, ये है पॉनलैंड, सामने जो दिखाई दे रहा है पॉनलैंड, यहाँ पे मतलब सब कुछ पॉन में मिल जाता है। और ये है TKMaxx, और
सामने है न्यू लुक जहाँ पे मतलब ज़्यादा फीमेल का ड्रेस ही है। मैं कभी न्यू लुक के अंदर नहीं गया क्योंकि पूरा फीमेल ही है। अभी मैं बाहर जाके जाऊँगा, बाहर जाके थोड़ा कॉफ़ी वगैरह पीऊँगा, फिर थोड़ा शॉपिंग भी करना है मेरे को क्योंकि आज वीकेंड है। तो अभी तो मेरे को वीकेंड का शॉपिंग भी करना है क्योंकि सिंगल लाइफ उतना इजी नहीं है, बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो अभी सब लोग बैठ के खाना खा सकते हैं। सो ये अच्छा चीज़ है, बहुत दिन के बाद दिखने मिलता है ये, मतलब लगता है जैसा मतलब वापस नया दुनिया में आया है, पुराने दुनिया में आया है। ये है वन जीन्स कलेक्शन, परफ्यूम के शॉप है, वोडाफोन का है जो यूके का ब्रांड है वोडाफोन, लेकिन यहाँ वोडाफोन यूज़ नहीं करते, मैं यूज़ करता हूँ ये वाला ब्रांड 3, लेकिन मैं शायद चेंज करूँगा क्योंकि उसका नेटवर्क सर्विस इतना अच्छा नहीं है। सो अभी जा रहा हूँ टाउन सेंटर के से बाहर। ये देख लो, चलो ये लियो ऑप्टोमेट्रिस्ट वालो, फिर से और एक मिल गया। सो चलो फिर अभी आज के लिए इतना ही, फिर नया वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए तो इतना ही काफ़ी है आज के लिए। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगा जल्दी। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा है ये वीडियो। और चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही, चलो बाय।